पूजा भट्ट मैम बहुत ही ज्यादा सुलझी हुई है, उनकी बातें एकदम सही होती है, वो जो भी कहती है तोल मोल के कहती है, एंड शी इज जस्ट लाइक समवन एल्डर जिससे हम जाकर के सजेशन ले पाए। जो बंदी अभी अभी शराब से उभरी है और वो गर्व से इस बात को कहती है कि वो शराबी थी और वो अभी जो है अलग हो चुकी है इन सारी चीजों से, दैट्स गुड। आपने अपने आप को सही किया, अपने आप को करेक्ट किया, इससे हमारा क्या फायदा। ओके, जो का पार्ट। लेकिन इस पॉइंट के अलावा जितनी भी चीजें कही गई है वो किस हद तक सही है? सलमान खान हर सीजन की तरह जब भी कोई सीनियर सिटीजन आते हैं हमारे बिग बॉस में तो भाई उनका साइड ले लेते हैं, बिकॉज सब अपने अपने लेवल पे खेल रहे होते हैं क्योंकि एज मैटर करता है वहीं पे, बाकी सब तो बच्चे हैं। हाँ, बच्चे हैं, सही बात है। तो कल के दिन सलमान खान ने बहुत ज्यादा कंट्रोल किया ताकि वो फुकरा इंसान पे बरसे ना, लेकिन उनके सारे वर्ड्स को जो है यूज जरूर किया और वो इनडायरेक्टली वार्निंग था बेटा नेक्स्ट टाइम ये नहीं होना चाहिए। नकली रानी सस्ता राजा कैसे बोला, और सच बताऊं फुकरा इंसान उस शो में जाकर के लिटरली बंदा जो है ना रोस्ट कर रहा है और कह दिया कि हाँ मुझे ये सस्ता राजा लगते हैं और ये नकली रानी लगती है। उसके बदले में सलमान खान जो है वर्ड पकड़ करके बैठ गए, हाँ 3 वाई 5। उसके बाद से उनको पता नहीं क्या हुआ और वो कहने लगे कि तुम्हारे फैन फॉलोइंग अच्छी है, पहले अच्छे जा रहे थे, अब जो है सही नहीं जा रहे हो, सही कर लो, फैन फॉलोइंग बढ़ाओगे तो अच्छी बात है, मतलब तुम्हारी फैन फॉलोइंग घट भी सकती है। मेरे हिसाब से दे आर लाइव फैंस, मतलब ये वो फैंस नहीं है जो 10-20 साल पहले बने या 5 साल पहले बने और आज जो है आगे सामने, ओहो, ये लाइव फैन है जो हर दिन उसको चाहते हैं वीडियो में देखना, जिसके वजह से उस भाई साहब के इतने सारे मतलब सब्सक्राइबर है और बंदे ने जो है कमाल कर रखा है। वहीं पे आकांक्षा पुरी को बैश किया गया फेकनेस के वजह से, फेकनेस की तो बात जो भी हो सही है, लेकिन उसके अलावा जो वो बंदी के बारे में कह गई थी बेबिका के बारे में कि इसके लिए डॉक्टर्स को बुलाओ, वहां पे सलमान खान का कहना ये था कि हमारे पास में 150 कैमरा है और 150 कैमरे में से ये चीज चूक गया जो आपने देख लिया, इनकी दिमागी स्थिति सही नहीं है और हमें डॉक्टर्स को बुलाना चाहिए, हमारे डॉक्टर भी मिस कर गए, मतलब किसको सपोर्ट किया, फिर से एक नेगेटिव चीज को ही सपोर्ट किया। पूजा भट्ट मैम एक टाइम तक सही थी, उसके ऐसे लाउड होने लगी और वो जिया ने कह दिया कि जब कोई जानवर खाना खाता है तो फिर थोड़ा सा खाना कुछ टाइम के बाद वापस मुंह में लेके जुगाली करता है, ये पूजा भट्ट मैम वही है च्युइंगम। हां, 90s के लोगों को लगता है कि च्युइंगम चबाना जो है ना वो बहुत ही ज्यादा कूल है, जस्ट लाइक दिलवाले मूवी में सुनील शेट्टी, और आज भी सुनील शेट्टी सर जो है च्युइंगम चबा करके कूलनेस दिखाते हैं, तो इनको भी लगता है कि च्युइंगम चबाने से कूल लगते हैं, तो जिया मैम ने तो फाड़ दिया है। वो बात अलग है कि जिया मैम खुद कुछ दिखती विकती नहीं है, लेकिन जब मुंह खोलती है तो बहुत जबरदस्त खोलती है। तो सलमान खान ने वीकेंड के वार में दो लोगों को बहुत बुरे तरह से टारगेट किया है और एक तरह का वार्निंग दिया है कि बेटा नेक्स्ट टाइम नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्री वाईफाई, नकली रानी, तो तेरे हिसाब से ये है वो है, तो समझ आ रहा है ना क्या चल रहा है वीकेंड के वार में। यार सलमान खान पता नहीं कुछ एपिसोड्स में इतने ज्यादा बायस्ड हो जाते हैं कि नफरत सी होने लग जाती है। ये मेरा टेक है फॉर दिस फर्स्ट वीकेंड का वार इन बिग बॉस OTT सीजन 2। व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।